दिवाली से पहले सबसे बड़ा खुलासा। दिवाली की आधी रात का काला सच। आपको तंत्र आता है, आपके गुरु में ईस्ट में पावर है, तो आप मार पाएंगे, आप वशीकरण कर पाएंगे, किसी को उच्चाटन कर पाएंगे, विद्वेषण कर पाएंगे। साधना व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाती है, उसके लिए उपयुक्त समय, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त सामग्री और उपयुक्त मनोकामना अगर है तो साधना अवश्य पूर्ण होती है। इसमें पंच मकार का मुख्य प्रयोग होता है, जिसमें मांस हो गया, मदिरा हो गया, संभोग इत्यादि, मैथुन इत्यादि, ये सब पंच मकार की साधना है। क्यों काली रात में जंगल जाग उठता है? सुलझेंगे हर सवाल सच की सटीक पड़ताल। न्यूज 18 पर ऑपरेशन ब्लैक मैजिक। दिवाली त्योहार है रोशनी का, मिठाइयों का, उमंगों का, खुशियों का। हम सबके जहन में दीपावली की ऐसी ही तस्वीर है, लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जहां पर बुरी ताकतों के जरिए कुछ लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि की कोशिश करते हैं। दीपावली की रात लोक कल्याण की कामना की जगह कुछ लोग तंत्र मंत्र की साधना के जरिए अपने लालचों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ा है एक पूरा बड़ा सा मकर जाल। आज इसी मकर जाल का करेंगे खुलासा ऑपरेशन ब्लैक मैजिक के जरिए न्यूज 18 पर अपने इस खास कार्यक्रम में। दिवाली की रात खुशियों, रोशनी और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस दिन हर घर में रोशनी होती है, हर शहर नए जोश में दिखता है। पटाखों की आवाज इस जोश को दोगुना करती है, तो गले मिलकर लोग अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ओम रीम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचं स्वाहा। जो न सिर्फ डरावना है बल्कि विचलित कर देने वाला भी कहा जा सकता है। दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा होती है, सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है, लोक कल्याण की प्रार्थना होती है। लेकिन दूसरी तस्वीर में स्वार्थ है, काली शक्तियों से कुछ हासिल करने का लालच है, बुरी ताकत से समझौता है और तंत्र मंत्र वाली साधना से इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश है। अब ये कोशिश कामयाब होती है या नाकाम रहती है, इसे लेकर कोई दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हर साल दिवाली के शुभ मुहूर्त का इस्तेमाल कुछ तंत्र साधक कुछ आम लोग को बहकावे में लेकर काली शक्तियों की साधना करते हैं, अपने दुखों से मुक्ति, अपने लालच की पूर्ति या फिर किसी दुश्मन को सबक सिखाने की मंशा के साथ दिवाली की आधी रात खेला जाता है काला खेल। तंत्र आप एक मशीन को कह सकते हैं तंत्र, और मंत्र उसकी शक्ति है जिससे उस, जैसे कोई मशीन चलाते हैं तो उसमें बिजली करंट दौड़ेगा तो मशीन चलने लगेगी, ऐसे ही तंत्र में मंत्र का प्रयोग होगा तो मशीन करती है काम, वही तंत्र है। और तंत्र का उद्देश्य है आपके आत्म का और मन को
जो बाह्य स्थिति है उससे उन्मुक्त करके वो भगवान को प्राप्त करना, महाकाल को प्राप्त करना, उसमें विलीन होना, ये तंत्र का मुख्य उद्देश्य है। इससे जो अलग कार्य हम लोग करते हैं, जो तंत्र करने वाले लोग करते हैं, वो उसका एक पार्ट है, वह तंत्र का उद्देश्य नहीं है। किसी के लिए मारण हम कर रहे हैं, किसी का उच्चाटन कर रहे हैं, किसी का वशीकरण कर रहे हैं, यह तंत्र का उद्देश्य ही नहीं है। ये तंत्र से हम भटक जाएंगे। ये तो सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए, जन कल्याण के लिए करने वाले कर्म है मात्र, ये तंत्र प्रॉपर नहीं है। एक बात है, इतना हमको समझना चाहिए। तंत्र अगर मारण होगा नहीं होगा सब कहने की बात है, कहने की बात भैया कुछ नहीं है। आपको तंत्र आता है, आपके गुरु में ईष्ट में पावर है, तो आप मार पाएंगे, आप वशीकरण कर पाएंगे, किसी को उच्चाटन कर पाएंगे, विद्वेषण कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके गुरु और आपका ईष्ट अभी कमजोर है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बरसों से होता आया है, इसमें नया क्या है। नया है इस तंत्र सिद्धि की आड़ में खेला जा रहा तस्करी का खेल। नया है इस स्वार्थ की साधना में इस्तेमाल होने वाले निर्दोष जीवों का इस्तेमाल। नई है जीव जानवरों की तस्करी, वो जीव जो दुर्लभ है, उन्हें लाखों में बेचा खरीदा जाता है, हजारों रुपए का किराया वसूला जाता है ताकि ये साधना की जा सके। आज हम इसी खेल से पर्दा उठाएंगे, आज इसी तंत्र साधना के पीछे चल रहे पूरे गिरोह की हर परत को उधेड़ कर सच्चाई सामने आने तक पड़ताल होगी और दिखाएंगे आपको तंत्र मंत्र के दुनिया में बुरी शक्तियों से समझौते की कहानी। आखिर क्यों ये हो रहा है, कौन ये कर रहा है, कैसे ये पूरा खेल जारी है, पूरे सच की पड़ताल और चौंका देने वाला खुलासा देखते रहिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ऑपरेशन ब्लैक मैजिक। तंत्र साधना आसान काम नहीं है। मंत्रों के सिद्धि के अलावा सही समय पर सही सामग्री का मिलना बहुत जरूरी है। दिवाली की काल रात्रि इसके लिए सही समय माना गया है, लेकिन अगर सामग्री की बात की जाए तो इसे जुटाना आसान नहीं है। इसके लिए ऐसी ऐसी सामग्री की जरूरत पड़ती है जो कि दुर्लभ भी है और प्रतिबंधित भी है, जैसे कोबरा नाग, कंबोडियन कछुए, उल्लू के अंग, जिंदा उल्लू और न जाने क्या क्या। ऐसी ही चीजें तस्करी के जरिए जुटाई जाती हैं। तो तस्करी के इस पूरे मकड़ जाल का खुलासा करते हैं ऑपरेशन ब्लैक मैजिक में। दिवाली की रात को आखिर ऐसा क्या खास है जो तंत्र साधक इस दिन का इस्तेमाल एक बड़े मौके के तौर पर करते हैं। इस पूरे खेल के खुलासे में इस सवाल का जवाब सबसे अहम है। दरअसल तंत्र साधना कई तरीके की होती है, लेकिन इसके सबसे अहम चार चरण होते हैं। ब्रह्म साधना, ध्यान धारण, मंत्र, भजन, पूजन। इन चारों चरण से कोई तंत्र साधना सिद्ध होती है, लेकिन पूजा के चरण के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। पूजा दुर्लभ है तो सामग्री इस्तेमाल होगी, वो भी दुर्लभतम ही होगी। लेकिन इस पूजा का मकसद क्या है, इस पूजा का फल क्या है, पहले वो जानते हैं। माना जाता है कि महानिशा, होली की पूर्णिमा, नवरात्रि या फिर सूर्य और चंद्र ग्रहण के काल में की गई तंत्र साधना जल्दी और मनचाहा फल देती है। ओम क्रीम जी फट स्वाहा। तंत्र विद्या से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की समस्याओं के समाधान का दावा किया जाता है। साधारण काल में जो तंत्र साधना पूरी करने के लिए लाखों मंत्रों का जाप और हवन पूजन किया जाता है,
दिवाली की रात जैसे काल में विशेष साधना से पूरा किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि दिवाली की रात तंत्र साधकों के लिए सबसे उचित मानी जाती है। दीपावली का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्तिक मास के अमावस्या के दिन काल रात्रि होती है और काल रात्रि में दो पहर होते हैं। प्रथम पहर में जिस प्रकार हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं और पंच देवता का पूजन करते हैं, द्वितीय पहर में जिसे हम महानिशा के नाम से जानते हैं उसमें साधना की जाती है, और अर्धरात्रि के बाद 12 बजे से सूर्य उदय से दो घड़ी पहले यानी कि 5 बजे तक ये 5 घंटे का समय साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इस दिन सभी शक्तियां पृथ्वी पर आ जाती हैं और जो भी साधक तंत्र मंत्र यंत्र और योग साधना में अपना अध्यात्म जगाते हैं वह सामाजिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार तंत्र साधना के माध्यम से, क्योंकि तंत्र साधना तन से जुड़ा हुआ विषय है, उससे हर व्यक्ति के जीवन में जो भी मनोकामना है उनके लिए इस साधना का हम कार्य करते हैं। तंत्र साधना में सिर्फ समय ही अहम नहीं है बल्कि पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पर भी खास फोकस होता है। इस साधना के लिए दुर्लभतम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सामग्री में सबसे विचलित करने वाली चीज जो इस्तेमाल होती है वो है दुर्लभतम जीव। इन साधना में सांप की अलग अलग प्रजातियां और उल्लू और दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र साधना में सर्प पूजन, कुछ विधियों में नाक का पूजन, दो मुहे सांप की सबसे ज्यादा डिमांड, लाखों रुपए में खरीद फरोख्त, कोबरा जैसे घातक सांपों का इस्तेमाल। तंत्र विद्या में उल्लू पूजन, वशीकरण विद्या में पूजन, उल्लू के अंगों का भी इस्तेमाल, कई बार बलि भी दी जाती है, दुश्मन को हराने का भी दावा, धन प्राप्ति का भी दावा। तंत्र विद्या में कछुए का इस्तेमाल, 20 नाखूनों वाले कछुओं की डिमांड, विशेष तंत्र साधना में इस्तेमाल, कंबोडियन मूल के ज्यादातर कछुए, पैसा कामयाबी हासिल करने का दावा। 5,000 से लेकर 3,00,000 रुपए तक सांपों का व्यापार होना, जिसमें ब्लैक कोबरा से लेकर दो मुंह वाला सांप भी शामिल है। जबकि सांपों का व्यापार करना या उनको खरीद फरोख्त करना कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है, जिसमें सजा का प्रावधान भी है जो 10 साल तक भी हो सकती है। अब इन जानवरों की तंत्र साधना में भारी डिमांड है तो साफ है कि इनकी सप्लाई भी होती है। इसी खेल का खुलासा न्यूज 18 ने किया ऑपरेशन ब्लैक मैजिक के जरिए। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने देहरादून में ऐसे ही एक दलाल को ढूंढ निकाला जो दिवाली के दिन होने वाली तंत्र साधना के लिए सांप कछुआ और उल्लू जैसे दुर्लभ जीवों को मुहैया कराता है। ये लोग हर तरह के जीव का इंतजाम कर देते हैं, बस कीमत मुंह मांगी होती है। इन जीवों की खरीद लाखों रुपए में होती है और पूजा के लिए किराए पर लेने का दाम भी अच्छा खासा भारी भरकम होता है। न्यूज 18 की टीम ने खरीदार बनकर इस दलाल से संपर्क किया था। छोड़ पूजा करी और फिर छोड़ दिया साहब। छोड़ना ठीक रहता है। फिर कोई आपने उसको जो भी अपना उतार चढ़ाव किया तो छोड़ दिया ना, अब उतारा चढ़ाया वो दे दिया, वही पिटाली में बंद हो जाएगा, तो उसे छोड़ देना है फिर। तो लोग फन वाले सांप लेके जाते हैं सर पूजा के लिए? फन वाला चलता है और एक चलता है वो दो मुंह वाला सांप। दो मुंह वाला सांप तो बहुत महंगा हो, बहुत महंगा हो तो कितना है वो? तो मनीमन मान के चलो आप 2-2.5 लाख रुपए तक तो मिलेगा। वो भी मिल जाता है 1-1.5 लाख वो भी मिल जाता है? किलो के हिसाब से मिलता है। किलो के हिसाब से खाते हैं क्या लोग उसे? नहीं नहीं खाते नहीं है, पर उसको वेट के हिसाब से होता है ना। और किसी को चाहिए वो आपको 1 किलो 1.5 किलो से ऊपर का कोई मिले हुए हैं यहाँ अवेलेबल है? यहाँ नहीं, राजस्थान की साइड से आएंगे, मुरादाबाद राजस्थान की साइड से। तो मुझे मतलब फन वाला लूँ सांप और उसकी पूजा करूँ और क्रिया करके उतार दो, छोड़ काले रंग का ही दोगे ना? तो हाँ फन वाला अच्छा काला रंग का होता तो जो तुम सांप दोगे उसका मतलब जहर निकला हुआ होगा? हाँ उसका जहर निकला हुआ, जहर निकला हुआ होगा। जहर वाला देंगे तो भाई चना सामने पूजा पाजा करते हो काट ही लिया, बंदा ही मर जाएगा, क्या फायदा? देखो चीज का भी हम ढूंढ पाल करेंगे और जो मैंने आपको बोला चाहे तो वही मिलेगा चाहे पूरा ही मिलेगा, लेकिन ढूंढ करना पड़ेगा 1-2 महीना।
करना पड़ेगा कुछ, जब भी मिलेगा आप बता देंगे हम आपको। तो दिवाली तक तो ही नहीं पाएगा अभी, था कोई पता नहीं, कहीं बता देंगे हम लड़कों को, कोई पूछना जाने भी पड़ता ना सर इस चीज के लिए। जब फॉरेस्ट वाले वालों को भी देते ही होंगे, तभी तो फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं बोलते। तो हम देखो हम नीचे जाते हैं प्लान से, अरे द्वारका है ना, तो नीचे लक्सर से नीचे, लेकिन हम पिछली लेकर रखे उसको भी देना पड़ेगा पैसे, तब उसका चीज वापस कर। चले कितने दो बताओ, जितने बोल रखे उतने दे दो। वैसे तो 1100 रुपये इसके छूने के भी लगते हैं, पर हम तो आपको वो भी नहीं कह रहे। बताओ कितने बोल रहे हैं? हाँ 1100 रुपये तो इसकी गुरुदक्षिण होती है छूने की, इसको हाथ में दर्शन देने की। वो तो आपको बोलो कितने बोल रहे हैं हम क्या देख लो आप कितने बताओ। अब देखो हमें इसे लेके जाते सरदर्दी होती फॉरेस्ट वॉरेस्ट वाले, तुम्हारे तो चलो अपनी अपनी बातचीत है, तुम यहाँ पर देख लोगे फॉरेस्ट वॉरेस्ट। चलो 900 दे दो। 9000? 5000 तो लेके जाने के लिए बोल रहे थे वो। नहीं छोटा जा रहे थे, इतना बड़ा बच्चा 9000 देख लो। अरे दादा ऐसा ना करो, पाँच तो हम तो सोचे थे पाँच नहीं, पाँच में से पाँच में। अरे वो भाई ने तो पाँच ही काम, पाँच ही बोला था उसने, तो बोला ही पाँच था, पाँच में तो नहीं बोला, पाँच ही बोला था भाई, पूछ लो भाई, पाँच ही बोला था। वो है शादाब को फोन करो, शादाब को, उसको भी नहीं बोले थे उसने, शादाब शादाब तो था हमारे साथ। न्यूज 18 की टीम ने पूजा के लिए कोबरा जैसे खतरनाक सांप की डिमांड की, दलाल ने सीधे तौर पर हामी भर ली। तय हुआ कि कोबरा पूजा के लिए किराए पर मिलेगा और इसके बाद इसे वापस ले लिया जाएगा। पूरा सौदा 6000 रुपए में तय हुआ और पूजा ऑनलाइन होने की बात तय हुई। भाई पाँच में तो छह में तो दे रहे थे हम। आपको ले जाओ सर, हमें नहीं चाहिए, आप हमें वो आपकी इच्छा है, ये पकड़ो आप सांप भी ले जा लो, कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं, ना, 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 हमें कोई नहीं, आपको जरूरत ले जा लो, हमें कोई नहीं, हम तो उसे जिससे हम तो जिससे खरीद के लेके आ रखे उसे बोल के आ रखे, हमें ये सांप देना है किसी को। हमें देखो तो पूजा का, मैं आपको तो पूजा के करके दे दिया आपको वापस, आप उसको कुछ भी करो ना, हमें क्या करना, हमें हमारे काम का थोड़े, हम तो मुंह लेके आ रहे भाई, जिसके पता ऐसा नहीं है, मीडिया वालों में कोई आया है, दोस्त नहीं है कोई नहीं गुरु जी, पर हमारी तो मेहनत नहीं है, लेके आए कोई काम करूंगा अंदर भाई से, ऐसा तो थोड़ा होगा सर। हाँ अरे मेरे साथ ही तो गए थे तुम यार, इधर तो पाँच छह ही नहीं बोले थे उस टाइम। सुनो 6000 बोले थे लेके जाने के, राइट, लेके जाना नहीं हुआ, उसी यहीं पे पूजा कर ली, अरे इन्हें इन्हें वापस कर दिया, तो कितने रुपए तू ये तो बता रहे, 9000 रुपए सर आप ले जा लो, हमें कोई नहीं, हमें तो 6 दिन दे दिया और क्या, नहीं नहीं वापस कर दिया सांप, सांप तो वापस कर दिया ना, अरे सांप आप ले जाओ हमें 6000 रुपए, सांप वापस कर दिया, ले जाकर मर्जी छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, ऐसे कोई जरूरत नहीं, चाहते तो हम आपके सामने छोड़ देंगे, हमें तो सांप तो दे दिया हमने, सांप ले जाओ आप। ऑपरेशन के दौरान दलाल ने ब्लैक सैंड बोआ, जिसे आम भाषा में दोमुहा सांप भी कहते हैं, उसे भी मुहैया करा देने का दावा कर दिया, लेकिन इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक बताई। आखिरकार पूजा के लिए किराए पर कोबरा देने की बात 35000 रुपए से शुरू होकर 6000 रुपए में तय हुई और फिर तय वक्त पर सपेरा कोबरा को एक बैग में लेकर तय जगह पर मिला। न्यूज 18 के उत्तराखंड एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने पुजारी के तौर पर इस पूजा में शामिल होकर पूरे खुलासे को रिकॉर्ड किया। इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी 1000 वर्ष से। इसकी इसकी 1000? हाँ जी 1000 वर्ष का है। अभी कितने साल का है? अभी 2-3 साल का है। अच्छा अभी 2-3 साल का बच्चा है। और ये 1000 वर्ष की उम्र थी, जैसे हम लोग इच्छेधारी लड़ने नहीं देते ऐसे बन जाते हैं, लेकिन उसमें से 100 आदमी 100 सांपों से दो कोई सांप बनेगा इच्छेधारी। बोल दूँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो रोशनी भी साफ नहीं आ रही, आ रही रोशनी की लेट आ रही ना, तो वो कर रहे हैं हमें करना क्या है, इधर रख लो ना थोड़ा सा रोशनी में धूप में, किस तरफ करना है, धूप में रख लो, धूप में धूप में, वैसे धूप ना उधर ही आ रही है सही, यहाँ धूप नहीं आ रही, अरे वैसे रख देना
हेलो छोड़ दूं गोत्र क्या है गोत्र जोविंदर जोविंदर दीदी तो है ही वहाँ पर दीदी को बता देंगे ये कौन से दिशा पे करना है ये कुबरा है नहीं नहीं दिशा पूछ रहे हो दिशा ये वाली लड़बंडा ये सेंसई है सेंसई मतलब ये है कि राजपुर से ऊपर है जंगल नहीं दिशा नहीं है देख रहे वो पंडित तो पूछ रहा खुद दिशा केड़ी दिशा दिखाना तुम लोग क्यों चुप रहे हो क्लैरिटी देखो मेरा क्लैरिटी नहीं है इतनी चांद जो कम करीब ना इनकी लड़ती भी देता है पहले चल रहा है ना पंडित से ठीक है देखो जी इसे पकड़ के रखना अभी पकड़ के रखना देख लो जंगल का है जंगल में छोड़ दिया देख लो चिंग जाएगा अभी तक अंदर चिंग जाएगा हर डूमो अभी है ना भागेगा तो नहीं 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 देख लिया उठाओ ऊपर से दो मिनट बोलो कम करता ओ भाई जी ठीक है जी अब देखो अब खींचो पूर्वोत्तर की दिशा में ये थोड़े से हाँ ये साइड है वैसे तो साइड है ये मुंह उसका थोड़ा सा दूसरी साइड है वो पूजा के दौरान सपेरे ने अपने बैग से खतरनाक ब्लैक कोबरा निकाला ये सांप फन फैलाए खतरनाक तरीके से बौखलाया दिखा कैद और टॉर्चर भी सांप के गुस्से की वजह हो सकती है लेकिन पूजा के बाद सांप को जंगल में तो छोड़ा गया लेकिन कुछ ही देर बाद सपेरा फुर्ती से जंगल में घुसता है और कोबरा को पकड़कर फिर से कैद कर लेता है ताकि इसका इस्तेमाल अगली पूजा में अगले ग्राहक को ठग कर किया जा सके ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ऑपरेशन ब्लैक मैजिक के जरिए हमने वन्य जीवों की तस्करी के काले धंधे की परतें खोली है आपने देखा कि कैसे दुर्लभ और बहुत ही खूंखार कोबरा महज कुछ हजार रुपयों में पूजा के लिए उपलब्ध हो जाता है आखिर ये काला धंधा चलता कैसे है कौन कौन इसमें शामिल है ये भी आपको दिखाते हैं न्यूज 18 ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ब्लैक मैजिक की आड़ में हो रही निर्दोष जीवों की तस्करी और शोषण का बड़ा खुलासा किया उधर नहीं आ रहा कोई भी आ जाओ आपने देखा कि आखिर कैसे दलाल और तस्कर मिलकर तंत्र साधना में इस्तेमाल के नाम पर लाखों का काला खेल खेल रहे हैं इस सब में प्रतिबंधित और दुर्लभतम जीवों का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है आपने देखा कितनी आसानी से एक ब्लैक कोबरा जो न सिर्फ घातक होता है बल्कि बेहद दुर्लभ प्रजाति का सांप है हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को मिल गया इस पूरे खेल के पीछे एक लंबा नेक्सस होता है तार से तार जुड़े होते हैं और पूरा खेल चलता है हमने एक एनिमल रेस्क्यूअर से इस बारे में पूरी जानकारी हासिल की आखिर ये खेल कैसे चलता है क्या होता है तीन फर्जी बाबाओं पर पड़ी जो अपने हाथ में एक रेड सैंड बोआ जिसे कि हम दो मुहा सांप भी कहते हैं उसको लेकर लोगों को दिखाकर डरा रहे थे पैसे ले रहे थे मेरी नज़र जब उस कीमती सांप पर पड़ी तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि इन तीनों बाबाओं को इस सांप के बारे में कुछ भी नहीं पता है मैंने फौरन तीनों बाबाओं से बात की इसके बाद एक से मैंने पूछा कि इस सांप के बारे में तुम क्या जानते हो मैंने उन्हें सारी चीज़ों से अवगत कराया कि ये एक रेयर स्पीसीज का सांप है जिसे रेड सैंड बोआ या दो मुहा सांप कहा जाता है और ये रेयरली पाया जाता है सबसे ज़्यादा ये राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है उसके बाद बिहार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ हिस्सों में इसे पाया जाता है मैंने तुरंत उन तीनों फर्जी बाबाओं से उस सांप को अपनी कस्टडी में लिया इसके बाद DIG लॉ एंड ऑर्डर और फॉरेस्ट विभाग के जो DFO थे उनको इस बात की सूचना दी जिसके बाद इस सांप को मैंने रेस्क्यू कराया देवव्रत ने एक ट्रेन से ब्लैक सेंट बोआ को रेस्क्यू किया था जो दुर्लभतम प्रजाति का सांप है इस दो मुहे सांप की कीमत लाखों रुपए में लगाई जाती है और तंत्र विद्या में इस्तेमाल का दावा किया जाता है
क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर इन तीनों फर्जी बाबाओं पर किसी तस्कर की नज़र पड़ी तो वो सस्ते में सांप को खरीद करके करोड़ों में बेचेगा। जी हाँ, करोड़ों में। जो दो मुहा सांप होता है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक जाती है। न्यूज 18 की पड़ताल में इस काले खेल का पूरा खुलासा हुआ। कैसे तंत्र साधना की सामग्री में इस्तेमाल के लिए इन चीजों का इस्तेमाल होता है, क्यों होता है और इस काले खेल से जुड़े हर तार का खुलासा हुआ है। लेकिन ऐसी साधनाओं से इच्छा पूर्ति और स्वार्थ सिद्धि के जो दावे किए जाते हैं, न्यूज 18 उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। हमने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि पूजा और साधना अपने इष्ट से लोक कल्याण की कामना के लिए होती है। धर्म में किसी दूसरे के नुकसान से अपने भले का कोई पाठ नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो बहकावे के जरिए अपना धंधा चला रहे हैं? तंत्र साधना जिस प्रकार से होती है, इसके मूलतः वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन हम तंत्र को अलग तरीके से भी जानते हैं। लोग इसमें समझते हैं, जैसे तंत्र और तांत्रिक शब्द आता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र साधना बहुत ही वैदिक विधि से होती है। इसमें बीज मंत्रों का उपयोग होता है, जैसे लक्ष्मी जी के लिए श्रीम, काली माता के लिए हम क्रीम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बीज मंत्रों के आधार पर उसका जो मंत्र होते हैं उनमें समय लगता है। बीज मंत्र का इस्तेमाल करके उन मंत्रों को हम उनकी अवधि कम कर लेते हैं। और तंत्र साधना तभी फलीभूत होती है जब व्यक्ति के ऊपर गुरु भक्त होता है और आस्थावान व्यक्ति जिसको विश्वास है ईश्वर में